इस क्वेश्चन में हमको ये कर्व गिवन है और हमको वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे इसका नॉर्मल ओरिजिन से पास करें। उस पॉइंट का हमको सिर्फ एब्सिसा वैल्यू निकालनी है, एब्सिसा यानी कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये हमारा कर्व है तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्सिस है, मान लो ये हमारा कर्व है। इस पॉइंट को हम एच कॉमा के मान लेते हैं और इस पॉइंट पर जब हम इसका नॉर्मल बनाएंगे तो वो हमारा कुछ ये होगा। और ये जो नॉर्मल है ये हमको गिवन है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा कर्व है, इस पॉइंट को हमने एच कॉमा के मान लिया है और इस पर हमने नॉर्मल बनाया है तो वो हमारा ये है। और नॉर्मल हमारा यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है। हमको यहाँ पे इस h की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमको सिर्फ एब्सिसा पॉइंट चाहिए। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप चाहिए और यहाँ पर हमको एक पॉइंट गिवन है 0,0 जिससे नॉर्मल पास कर रहा है, तो यानी कि इससे हमारी नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए ये जो गिवन कर्व है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3 dy/dx इक्वल्स 6 माइनस ये हो जाएगा 15x². और इसको सॉल्व करके हमारी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमारा नॉर्मल का स्लोप होता है -1/dy/dx, यानी कि नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1/2 - 5x². इसको नोट कर लेते हैं, तो यानी कि हमारा नॉर्मल का स्लोप आ गया ये। अब हमको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है 0,0 पे। हमारी नॉर्मल की इक्वेशन होती है y-y1/x-x1 = m, m हमारा स्लोप है, तो यानी कि ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। इसमें हम अपने स्लोप की वैल्यू और ये पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप तो हमारे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी ये। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है h कॉमा k, ये हमारा कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और ये हमारा नॉर्मल के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी कि हम इस पॉइंट को अपने कर्व की इक्वेशन में भी पुट करेंगे और अपने नॉर्मल की इक्वेशन में भी पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये। सिमिलरली जब हम इसको कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये k बाय h की वैल्यू है तो हम यहाँ से भी k बाय h की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से h को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा और इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारी k बाय h की वैल्यू आ जाएगी ये। अब यहाँ पे k बाय h इसके इक्वल है और यहाँ पर ये इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो इसको इक्वेट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब यहाँ पे हमारे पास h की पावर 4 है और h स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ h स्क्वायर इक्वल z, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5z² - 8z + 3 = 0। यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली ईजियर होगा इससे। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से या तो z = 3/5 आएगा या फिर z = 1 आएगा। हमने h स्क्वायर को z पुट किया था तो हम वापस से यहाँ पे z की जगह पे h स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे h² = 3/5 हो जाएगा, यानी h हमारा आ जाएगा ±√3/5। बट जो हमको ऑप्शंस गिवन है उसमें ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे जब h² = 1 पुट करेंगे तो h हमारा आ जाएगा ±1।
अब यहाँ पे एच या तो माइनस वन के इक्वल है या फिर प्लस वन के इक्वल है। माइनस वन तो हमारा ऑप्शंस में नहीं है, तो यानी एच इक्वल वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा आ गया, ये हमारा ऑप्शंस में नहीं था। जेड माइनस वन जीरो किया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो एच हमारा प्लस माइनस वन आ गया। बट यहाँ पे माइनस वन हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो एच हमारा वन के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारा एप्सीसा पॉइंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ गया वन।